हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचवीएसी हेल्दी एनवायरनमेंट। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एचवीएसी। एचवीएसी के अंडर में एक टर्म्स आता है एयर कंडीशनिंग, है ना। इसमें वैसे मेनली जो है वो तीन टर्म्स आते हैं एचवीएसी के अंडर में, हीटिंग, वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जिसमें से जो तीसरा जो टर्म्स है एयर कंडीशनिंग, आज हम उसकी बात करेंगे स्पेशली कि एयर कंडीशनिंग के मेनली कितने फंक्शंस होते हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि एयर कंडीशनिंग का मेनली क्या क्या काम होता है, ठीक है गाइस। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और नीचे दी गई बेल की घंटी को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सीधा आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम लोग बात करेंगे एयर कंडीशनिंग के बारे में कि एयर कंडीशनिंग के मेनली कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है जी। अगर ये आपको याद नहीं होता, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इसके मेनली कैसे हम इसके फंक्शंस को याद कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ज्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको मेनली जो है वो सिर्फ जो न्यूमेरिक जो नंबर्स होते हैं उनका एक नंबर होता है 8, जिसको हम लोग बोलते हैं 8 हिंदी में। जी हाँ, आप इसे याद कर लें 8, ठीक है जी। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप इसे याद कर लें 8, ठीक है, जिसको हम लोग लिखते हैं 8। अब इसको हिंदी में लिख लेना है 8। 8 का जो प्रोनाउंसिएशन जो होगा, जो हम लोग लिखेंगे इंग्लिश के लेटर्स में, AATH, ठीक है, AATH मीन्स 8, ठीक है। अब ये जो 8 में जो चार लेटर्स आ रहे हैं, है ना, AAT और H, बस यही चार इसके फंक्शंस है मेनली, ठीक है। अगर आपने इसे याद कर लिया बाय ट्रिक ही, आप देखो अगर आप किसी भी चीज को अगर ट्रिक यूज करके, ट्रिक अप्लाई करके अगर आप किसी भी चीज को यूज कर याद करते हो, तो उसका याद करना आपके लिए बहुत इजीली हो जाता है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप किसी भी लाइन की अगर आप तैयारी कर रहे हो, उसमें अगर आप ट्रिक का इस्तेमाल करके अगर आप किसी चीज़ को याद करते हैं, तो वो याद करने में बहुत आसानी होती है और आपको जल्दी याद भी हो जाता है और हमेशा के लिए याद होता है। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप 8 जो है, बस 8 को अपने माइंड में रखिए, यानी कि आप एयर कंडीशनिंग के मेनली कितने फंक्शंस हैं और क्या क्या फंक्शंस हैं, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाने वाली है। जी हाँ, तो मैं आपको क्या बताया, 8, 8 का प्रोनाउंसिएशन कर लेना है, AATH। अब ए फॉर क्या होता है, फिर दूसरा वाला जो ए है उसका ए का क्या मतलब है, फिर टी आता है, टी का क्या मतलब है, एच आता है, एच का क्या मतलब है। तो आप पहला वाला जो ए आप देख रहे हैं, ये ए का मतलब होता है एयर मोशन। जी हाँ, पहला जो काम है इसका एयर कंडीशनिंग का, वो है एयर के फ्लो को मोशन देना है, एयर को जो है पूरे रूम में, जहां पर हमें सप्लाई चाहिए, जहां पे हमें कूलिंग चाहिए, वहां पे पूरे एरिया में मोशन करवाना है एयर का। अब गाइज इसमें जो दूसरा ए आता है, ठीक है, तो दूसरा जो ए आता है, तो दूसरा ए फॉर हो गया आपका एयर प्योरिटी, यानी एयर को प्योर बनाना है ना, एयर को शुद्ध करके आप तक पहुंचाना, ये दूसरा फंक्शन है एयर कंडीशनिंग का। तीसरा जो इसमें लेटर्स आता है वो है टी। 8 में पहला ए का मैंने आपको फंक्शन बताया, दूसरा ए का मैंने आपको फंक्शन बताया, तीसरा जो लेटर आता है वो आता है टी। टी फॉर टेम्परेचर। जी हाँ, ये टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। और चौथा जो है वो है एच। एच स्टैंड्स फॉर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी है ना, ये ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल करता है। तो मेनली जो है हमने आपको जो ट्रिक बताया 8, यानी कि इसमें जो, इसको मैंने हिंदी में इसका प्रोनाउंसिएशन किया AATH, यानी 8, तो इसके इसमें चार लेटर्स हैं, यानी कि इसके चार मेनली फंक्शंस होते हैं एयर कंडीशनिंग के, जिसमें से पहला फंक्शन हो गया एयर मोशन, है ना, दूसरा फंक्शन हो गया आपको एयर प्योरिटी, तीसरा हो गया टेम्परेचर, चौथा हो गया ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना। तो ये चार मेनली फंक्शंस होते हैं एयर कंडीशनिंग के। और आपको HVAC से रिलेटेड कोई भी डाउट्स होता है गाइस, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।